वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सरबजोत सिंह है, मेरी उम्र 15 साल है ते मैं अमृतसर जिले नाल संबंधित हाँ। मेरी साखी का विषय है पीर बुद्धू शाह जी। पीर बुद्धू शाह जी एक मुस्लिम फकीर सन। एक दिन जब उन्होंने पता चलिया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी पौंटा साहब विखे आए हुए हैं तो वह गुरु जी के दर्शन कर पौंटा साहब विखे चले गए। दर्शन उपरंत उन्होंने मन में शांति मिली तो वह गुरु जी के दर्शन नियामत रूप में करन लग पे। तो पीर बुद्धू शाह जी ने 500 पठान गुरु जी की फौज में भर्ती करवाए जो कि औरंगजेब ने अपनी फौज विचों कढ दित्ते सन। पहाड़ी राजिया ने सिखा उत्ते हमला करन दी नीयत बनाई तो 500 विचों 400 लालच दे के अपने वल दा कर लिया। जब इस गल का पता पीर बुद्धू शाह जी नूं चलिया तो पीर बुद्धू शाह जी अपने 700 मरीद 4 पुत्र ते 2 भरावां समेत गुरु जी दे पास पहुँच गए। पंघाणी दा युद्ध होया, पीर जी दे मरीद भरा पुत्र शहीद हो गए ते पहाड़ी राजे सिखां पासों बुरी तरह हार गए ते पंघाणी दे युद्ध विच गुरु जी दी जित हो गई। युद्ध उपरंत जद पीर बुद्धू शाह जी घर वापस जाण दी आग्या मंगण गुरु जी कोल गए तो गुरु जी ने कहा, तुसी इस युद्ध विच साडी बहुत मदद कीती, जी कोई ताड़ी खास मंग होवे ता तुसी दस सकते हो। उस समय गुरु जी केसां विच कंघा कर रहे सन ते पीर बुद्धू शाह जी ने गुरु जी पासों केसां समेत कंघा ही मंग लिया ते गुरु जी ने पीर जी नूं कंघा दे दिता। जब पीर जी घर परते ता पीर जी दी पत्नी ने देखा कि पीर जी घर आए हैं ते मेरे पुत्र नाल नहीं हैं। ख्याल करना गुरु सवारियो, मावां नूं अपने पुत्रां नाल बहुत प्यार हुंदा है, माँ दी अख तो पोते घड़ी लई दूर हो जाए तो माँ नूं चिंता जी लग जाती। इस तरह ही पीर जी दी पत्नी ने देखा कि पीर जी घर आए हैं ते मेरे पुत्र नाल नहीं हैं तो तुरंत पीर जी नूं सवाल किया कि पीर जी मेरे पुत्र कित्थे हैं। तो पीर जी ने कहा, अज तेरे पुत्रां बदले एक कीमती चीज़ लैके आया। तो पीर जी की पत्नी ने बड़ी हैरानी नाल पुछया कि मेरे पुत्रां तो भी कोई कीमती चीज़ है। तो पीर जी ने अड़े हुए केसां वाला कंघा पत्नी नूरां दे अगे रख्या तो कहा, इन्हां केसां बदले अज तेरे पुत कुरबान कीते हैं। वो धन सी पीर बुद्धू शाह जी जिन्हां ने केसां की कीमत जानी। ये केस जो सानू जाण तो भी वध प्यारे सन, इन्हां केसां लई असीं की कीता, नाई की दुकान पर जाके कटवा दिते। ताई तां किसे कवि ने बहुत खूब लिखा है, केस धागे जां तंदे ना समझ लैना, केस धागे जां तंदे ना समझ लैना, ये तां नाड़ियां ने सिख कौम दियां, निरा कपड़ा ना समझ लैना दस्तार ताई, अणखी फुलकारियां ने सिख कौम दियां। सो आओ असी भी सुनहरी इतिहास नूं पढ़िए ते विचारीए ते पुरातन गुरसिखां दियां दित्तियां हुईयां कुरबानियां नूं याद रखते हुए सिखी असूलों अनुसार अपना जीवन ढालीए। सो इतने ही बचन प्रवान करने हुईयां बेंत भुलां दी खिमा बख्शनी, मुड़ फिर फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।